आप लोगों की काफी क्वारी आती है ब्रेस्ट फैट को लेके, कि ब्रेस्ट का फैट कैसे कम किया जाए, कौन सी एक्सरसाइज हम करें जिससे जो हमारा ब्रेस्ट का फैट है वो कम हो जाए। अब फ्रेंड्स, ये जानना ही बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट का फैट है वो क्यों बढ़ता है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है फैट बढ़ता है, और कई बार जो है ब्रेस्ट वो अनइवन भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट फैट बढ़ने के मैं आपको बताऊंगी चार रीजन कि किस वजह से ये फैट बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ब्रेस्ट होते हैं ये फैटी टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, ये ओनली फैट टिश्यूज होते हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी हार्मोनल चेंज होते हैं तभी जो ब्रेस्ट का फैट है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला रीजन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है कि जब भी उसका लेवल बढ़ता है तो जो हमारे ब्रेस्ट का फैट है वो इंक्रीज होता है। अक्सर प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर पीरियड्स के टाइम में हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, इसीलिए जो इस टाइम पे हमारा ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। तो सबसे पहला इसका रीजन है एस्ट्रोजन। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो है हमारे ब्रेस्ट का साइज भी बढ़ेगा। इसके लिए आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपके एस्ट्रोजन के लेवल को जो है कंट्रोल करें, उसको कम करें। जैसे कि आप फ्लेक्सीड खा सकते हैं। फ्लेक्सीड में एस्ट्रोजेनिक एंड एंटी एस्ट्रोजेनिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि आपका जो एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कम हो जाता है, और अगर कम है तो वो बढ़ जाता है। इस तरह के और ऐसे बहुत सारे फूड आते हैं जिनको आप खाएंगे तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा ऐसा कारण है फ्रेंड्स, आपकी ओवरऑल बॉडी का जो फैट है वो कितना है। अगर आपकी जो बॉडी में ओवरऑल जो फैट का परसेंटेज है वो ज़्यादा है, यानी कि आप अगर मोटे हैं, ओबेसिटी अगर आपको है, तो भी आपका जो ब्रेस्ट साइज है वो भी बढ़ जाएगा। ये कॉमन सी चीज़ है फ्रेंड कि अगर आपके टोटल बॉडी पे अगर फैट ज़्यादा है तो आपके ब्रेस्ट पे भी जो है फैट वो बढ़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है और कंट्रोल खाना खाना है। फ्राइड और जंक फूड को आप अवॉइड कीजिए, उससे आपकी जो बॉडी में जो फैट है वो धीरे धीरे कम होगा, और जब ओवरऑल बॉडी का जब फैट कम होगा तो आपका जो ब्रेस्ट का फैट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ब्रेस्ट साइज बढ़ने का फ्रेंड तीसरा रीजन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और ये प्रेगनेंसी के टाइम में ही जो हमारी बॉडी है ये फ्यूचर के लिए मिल्क सप्लाई करने के लिए बॉडी अंदर से खुद को प्रिपेयर करती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम में जो हमारा ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ इसका रीजन है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हम जो भी गर्भ निरोधक दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारे हार्मोन्स को इफेक्ट करती हैं, और हार्मोनल इम्बेलेंस का हमारी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, और उसी की वजह से जो हमारा ब्रेस्ट का साइज है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे कारण हैं। इन सारे कारण के साथ साथ आपका सही डाइट ना लेना, स्ट्रेस में रहना या बेबी को फीड कराना, इन सब की वजह से भी जो हमारा ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सही डाइट लेके, सही तरीके से एक्सरसाइज करके धीरे धीरे टाइम के साथ आप अपने ब्रेस्ट के साइज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेस्ट के साइज को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट दिखाई देंगे, आपका जो साइज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपका इस टॉपिक पे कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।